और अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से उनके कारोबार विस्तार प्लान और साथ ही नतीजों पर बात करनी है। इंडियामार्ट इंटरमेश के सितंबर तिमाही के नतीजे आ गए हैं। नतीजों और बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडियामार्ट इंटरमेश के फाउंडर और सीईओ दिनेश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। क्यों क्यों बेसिस पर नतीजों को अगर हम देखें, फ्लैट नंबर्स मार्जिन के लिहाज से भी देखने को मिले हैं, 3% तक की गिरावट यहां पर दिखी है। क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ग्रोथ एरियाज हैं और कहां पर आगे आप फोकस करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन गोइंग अहेड? तो देखिए, अगर इसको जैसे मैं पहले भी बताते आया हूं कि हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स टॉप केपीआई होता है, जो रेवेन्यू का मेन गाइडेंस होता है। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स से डिफर्ड रेवेन्यू आता है और डिफर्ड रेवेन्यू में हमारी ग्रोथ करीब 21% हुई है। करंट डिफर्ड रेवेन्यू 756 करोड़ रुपए पे है और वहां से फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि पिछले 5-6 क्वार्टर तक कलेक्शंस म्यूटेड रहे हैं, इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा फ्लैटिश दिख रहा है। हालांकि डिफर्ड रेवेन्यू अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है और उसके तरह से आगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ेगा। अब जहां तक बात आती है मार्जिन की, तो मार्जिन तो मैंने पहले भी बताया था कि हम प्री कोविड करीब 28-30% मार्जिन पे काम कर रहे थे। कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें हमें रोकनी पड़ी, बहुत सारे हायरिंग बंद करनी पड़ी, तो जो कॉस्ट कट हुए वो करीब हमारे मार्जिन को 48-50% तक ले गए थे और हमने बताया भी था कि वो उसमें से आधा मार्जिन सस्टेनेबल शायद रह जाएगा और आधा मार्जिन वापस आ जाएगा जैसे जैसे बिजनेस और ऑपरेशंस ओपन अप होंगे। अब धीरे धीरे बिजनेस और ऑपरेशंस ओपन अप होने शुरू हुए हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे मैं पहले भी गाइड करते आया हूँ कि वो 38-40% के बीच में कहीं लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग मार्जिन दिखना चाहिए। तीसरी बात जो ग्रोथ लीवर है, तो ग्रोथ लीवर में हमारे दो मेन वो होते हैं, एक तो नंबर ऑफ कस्टमर्स की ग्रोथ, दूसरा नंबर ऑफ बायर्स की ग्रोथ और तीसरा कलेक्शंस की ग्रोथ। हमने देखा है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स में जो पिछले क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ था बिकॉज कोविड 2.0, वहां से हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स में करीब 4,500 कस्टमर बढ़े हैं और जैसा कि मैंने पहले भी उम्मीद की थी कि दिसंबर क्वार्टर तक हम वापस से प्री कोविड लेवल पर कस्टमर एडिशन पर पहुंच जाएंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वहां पे हम वापस से 5,500-6,000 के रन रेट पे पहुंचने चाहिए। दूसरी बात जो है नंबर ऑफ बायर्स की जो है, तो नंबर ऑफ बायर्स काफी स्ट्रांगली बरकरार है। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ बायर्स करीब 182 मिलियन विजिट्स पे हैं और यूनिक बायर्स की भी संख्या अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डिस्पाइट की एमएसएमई का मार्केट सेंटिमेंट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन एडॉप्शन बढ़ा है और जो पुराने कस्टमर हमारे हैं उन्होंने एक अच्छी पहल दिखाई है अपने बिजनेसेस को आगे ले जाने के लिए, तो अपग्रेड और कलेक्शन बढ़े हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी बिजनेस के मेट्रिक्स इम्प्रूव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कस्टमर ग्रोथ के लिहाज से। वहीं पर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हमने तिमाही आधार पर 31% की देखी और अभी आप ग्रोथ का भी जिक्र कर रहे थे, आगे और ज्यादा इसमें अपमूव लाने के लिए ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? वही सेम जो बताया कि नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे, वही एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर काफी हद तक रिकवर कर चुका है और अगर आप पिछले साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में देखें तो काफी नॉर्मलाइज हो गया था, इस साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और फर्दर नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स का जो साइन अप है वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना कि प्री कोविड लेवल पे था और उसकी तरफ हमारी प्रयास रहेगी। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर पेइंग कस्टमर की अगर बात करें वहां पर हमने रिडक्शन देखा है, इसके पीछे के रीजंस आप क्या देख रहे हैं और आने वाले दिनों में इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, FY22 तक क्या टारगेट्स कर रहे हैं आप? ये मैं पहले भी बताया था कि रेवेन्यू पर कस्टमर अगर आप एनुअलाइज बेसिस पर देखें तो 4-5 साल पहले ये 32-33 हजार रुपए होता था और जो बढ़कर के
44,000 के आसपास करीब पहुंच गया था FY 2021 में। उसके बाद ये जो आपको सडन जंप दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं ऐड हो पाए, और इस वजह से जो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू, क्योंकि हमारा डिफर्ड रेवेन्यू में से फ्लो करता है, तो इस वजह से एक टेम्परेरी बम्प दिख रहा था, और वो बम्प नॉर्मलाइज हो जाएगा मेरे हिसाब से 45-46 हज़ार रुपये के आसपास एनुअलाइज रेवेन्यू पर पेइंग पर कस्टमर रहेगा। ठीक है, आपके एक्विजिशंस पर हम जानकारी लेना चाहेंगे। हाल ही में यहाँ पर एगिलोस ई कॉमर्स के साथ 26% के स्टेक के लिए आपने रिसेंट एक्विजिशन किए हैं। इसके पीछे के रैशनल और आने वाले दिनों में एक्विजिशन प्लान्स आपके क्या हैं, आप बताएं। जी, तो ये कंपनी है जो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देखती है बड़े एंटरप्राइजेस को। तो बड़े एंटरप्राइजेस में अलग अलग तरह का प्रोक्योरमेंट होता है, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, और उनको बहुत सारे वेंडर से डील करना होता है। तो उसका एक सॉफ्टवेयर, पुराने जमाने में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते थे जो ऑन प्रमाइस होते थे, इन्होंने प्योर AI ML बेस्ड और मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है, खास करके जो लॉकडाउन के दौरान में काफी अच्छे से अडॉप्ट हुआ है। कुछ अच्छे बड़े कस्टमर उनको शुरू में मिले हैं, और हमें लगता है कि उसमें आगे चल करके इंडिया मार्ट के साथ कई सारी सिनर्जीज निकलती हैं, क्योंकि जो बड़े कस्टमर्स प्रोक्योरमेंट का काम करते हैं उसके लिए बहुत सारे इंडिया मार्ट के ट्रस्टेड कस्टमर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस डायरेक्शन में देखते हुए हमने 26% स्टेक इसमें लिया है, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम लोग आपस में टाई अप करके और प्रगति कर सकते हैं। अभी बहुत अर्ली स्टेज पर है कंपनी, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू अभी बहुत कम है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें और उम्मीद होने की और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक कंपनी जो मोबिसी है, उसके अंदर में भी हम लोगों ने हमारा स्टेक करीब 10% था, जिसको बढ़ा करके हमने 17% किया है। वो पुराना एग्रीमेंट ही था, हमें 2 बार में 10-10 करोड़ इन्वेस्ट करना था, तो उधर भी किया है। और कंपनियां हम देखते रहते हैं बराबर से, जैसे भी कोई नई कंपनीज इंडिया मार्ट के इकोसिस्टम में फिट होने लायक होंगी, चाहे वो बिल्कुल अकाउंटिंग साइड पे हो, चाहे वो लॉजिस्टिक साइड पे हो, चाहे वो पेमेंट साइड पे हो, हम उस डायरेक्शन में इंडिया मार्ट का इकोसिस्टम बढ़ोतरी करते रहेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।